अक्षय फ्रेम ठीक करो, लाइट ठीक नहीं है। ओ सॉरी, गलत माइक उठा लिया। ओके सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आज मैं हूं भाभी जी के सेट पर और मेरे साथ है भाभी जी शो के बिहाइंड द कैमरा, एक रियल हीरो कह सकते हो आप इनको, मतलब शो के रियल हीरो बिहाइंड द कैमरा शशांक सर हमारे साथ हैं। इस शो में डायरेक्शन करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फनी है सर। ये शो आज हिंदुस्तान के हर एक घर में देखा जा रहा है, लोग कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हर एक कैरेक्टर का एक्सेंट हो या बोलने का तरीका या फिर बिहेवियर, तो हर एक चीज़ से लोग इत्तेफाक रखते हैं, तो क्या आपका कहना है इस बात पर? ये बड़ी अच्छी बात है, इत्तेफाक रखते हैं, मुझे खुशी है। ऑडियंस इज़ द ट्रू हीरो, हम तो बनाते हैं लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी इसको पसंद कर लिया, सो दे आर द चैम्पियंस एंड इट ऑल्सो शोज कि कितनी अच्छी टेस्ट है इंडियन ऑडियंस की। थैंक यू सर। ये शो जब से आया है और वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी गेनर रहा है ये शो इंडिया में, सर आपको क्या लगता है कि ये शो मतलब किस तरीके का शो है? आप सोच के क्या आए थे, क्या कॉन्सेप्ट सोच के आए थे, कितना चलेगा नहीं चलेगा, कुछ था आपके मन में इस तरीके का कुछ? नहीं, हमने जब इसको बना रहे थे तो थोड़ा डिफरेंट डेफिनेटली इसकी अप्रोच थी, इसकी विट लेवल जो हमने रखा है, कॉन्वर्जेशनल विट रखी है, सब लोग वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट करना मुश्किल है, उसको लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो हमारा ये था कि हम इसको इस टेस्ट में करेंगे। सो मन में ये था कि या तो ये मुंह के बल गिर जाएगा या तो इसको लोग बिल्कुल गोद में उठा लेंगे, एंड थैंकफुली इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, थोड़ी सी ज़्यादा स्लैपस्टिक होती है कॉमेडी, बहुत लाउड होती है, लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चेहरे बना रहे होते हैं, ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा होता है कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं हंसाने के लिए। हम जो है वो उतना कैरिकेचर भी नहीं करते हैं, सिंपल आम बातचीत करते हैं, सामने ये रहते हैं, सामने वो रहते हैं, वो आके दूध लेने निकलता है, उसको भाभी जी पसंद आती है, बहुत आराम से वो करते हैं बातचीत, एंड पीपल इंजॉय इट। सर जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक शोले मूवी आई थी, आपने भी देखी होगी, सबकी फेवरेट है, ऑल टाइम हिट है, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसके सारे कैरेक्टर्स थे मतलब पसंद किए जाते थे, आज भी वो एक्टर्स उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, चाहे वो अशरानी जी हो, धर्मेंद्र पाजी हो, अमित जी हो, कुछ भी, सेम वही चीज़ मैं आज भाभी जी में देख रहा हूँ कि हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर से पहचाना जा रहा है, हर एक कैरेक्टर की एक अपनी पहचान है। क्या सोच के कैरेक्टर को डिज़ाइन किया आपने, क्या सोच के मतलब किया था ये सब चीज़ें? क्या सोच के, हम लोगों ने सिर्फ, मैंने मनोज जो मेरे राइटर हैं, हम लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको किया है, एंड थैंकफुली हमें पूरी इंडिपेंडेंस दी गई, तो हमने वो बनाया जिस पे हमें सबसे ज़्यादा हंसी आ रही थी, जैसे बनाते हुए हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इट वाज प्योरली हमने ये सोच के बनाया कि यार हमें देखना है, हम मज़ा ले लेते हैं, एंड थैंकफुली वो काफ़ी लोगों ने मज़ा ले लिया उसका। तो ये थे हमारे साथ शशांक सर जिन्होंने भाभी जी शो बनाया, और सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये शो ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमें ऐसे ही लाइट कॉमेडी देखने को मिलती रहे, लोग इन्जॉय करते रहे। तो थैंक यू सर। थैंक यू।